प्रदेश में नामांकन पत्रों की जांच का कार्य पूरा। राज्य भर में 45 उम्मीदवारों के नामांकन हुए रद्द, इनमें कांगड़ा जिला में सर्वाधिक 11 नामांकन हुए रद्द। नामांकन वापस लेने का कल अंतिम दिन। 12 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए 15 दिन रहे शेष। राज्य में चुनाव प्रचार अभियान हुआ तेज। सभी पार्टी उम्मीदवारों ने शुरू किया चुनाव प्रचार। भाजपा 30 अक्टूबर को एक साथ सभी 68 निर्वाचन क्षेत्रों में करेगी विशाल रैलियां। प्रदेश कांग्रेस का चुनाव प्रचार अभियान जारी। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने स्पीति में की चुनावी रैली। प्रतिभा सिंह ने भाजपा पर लगाया जनजातीय क्षेत्रों की अनदेखी का आरोप और कांग्रेस कार्यकाल में हुए विकास कार्यों का किया बखान। आदर्श चुनाव आचार संहिता के मद्देनजर आबकारी विभाग की अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई जारी। मंडी, चंबा, कुल्लू और पुलिस जिला नूरपुर में 674 पेटी अवैध शराब व 6318 लीटर लहन बरामद। कार्यबल ने पिछले 3 दिनों में मंडी, चंबा, कुल्लू, सोलन, शिमला, बिलासपुर जिलों और पुलिस जिला बद्दी व पुलिस जिला नूरपुर में कार्रवाई करते हुए लगभग 12388 लीटर शराब की जब्त। विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत शिमला जिला में नियुक्त पर्यवेक्षकों ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों में चुनाव तैयारियों का लिया जायजा। इसके अलावा तैनात स्थिर सेवा दल और उड़न दस्तों के कामकाज की भी की समीक्षा। धर्मशाला में मेजर विजय सिंह मनकोटिया की पत्रकार वार्ता, कहा देश की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा में शामिल होना गर्व की बात। मनकोटिया ने कहा कांग्रेस दिशाहीन व नेताविहीन पार्टी है जिसका पतन निश्चित। भाजपा नेता आश्रय शर्मा ने मंडी में पत्रकार वार्ता में कांग्रेस नेताओं को घेरा। कांग्रेस द्वारा स्वर्गीय पंडित सुखराम के नाम पर भ्रामक प्रचार करने का लगाया आरोप। प्रदेश के अधिकांश भागों में धूप खिलने के बावजूद सुबह शाम के तापमान में गिरावट। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के कुछ भागों में तापमान शून्य के आसपास किया जा रहा दर्ज। मौसम विभाग ने आगामी 3-4 दिनों तक मौसम के साफ रहने की जताई संभावना।